हेलो एवरीवन, अब खुद की एमएलएम कंपनी स्टार्ट करना हुआ और भी आसान विद एमएलएम भावेश चौहान। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एमएलएम कंपनी की। अब अगर आप खुद की एमएलएम कंपनी शुरू करना चाहते हैं तो आप ऐसा बहुत आसानी से कर सकते हैं। और अगर आपको अपनी कंपनी के लिए कोई भी प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है तो भी आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये हैं इंडिया के एकमात्र सप्लायर जहां आपको MLM प्रोडक्ट्स की यूनिक रेंज मिलती है, जैसे कि हॉलीडे वाउचर्स, हेल्थ वाउचर्स, एजुकेशन, शॉपिंग पोर्टल और FMCG में 200 से भी ज़्यादा आयुर्वेदा, कॉस्मेटिक और होम केयर प्रोडक्ट्स। तो अगर आप भी अपनी कोई MLM कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर आपको इन प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं @08128833469 और यू कैन विजिट www.mlmforindia.in। इंडिया में सभी डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज पर नजर रखना और ये देखना कि वो कंपनीज लीगल और एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस कर रहे हैं या नहीं, यही FDSA का मेन मोटिव है। FDSA मतलब फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन एक वॉलंटरी सोशल ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम कर रही है। डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के सपोर्ट के साथ ये फेडरेशन काफी अच्छे से ग्रोथ कर रही है। FDSA की स्थापना से इनकी सभी मेंबर कंपनीज के लिए यूनिफॉर्म कोड ऑफ कंडक्ट, एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस और गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग चलना बहुत आसान हो गया है। FDSA का एकमात्र ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट गाइडलाइंस और इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग इस इंडस्ट्री में टाइम टू टाइम सुधार करना है, ताकि सभी मेंबर कंपनीज एक यूनिफॉर्म कोड ऑफ कंडक्ट चला सकें, वो भी ट्रांसपेरेंसी के साथ, ताकि वो अपने कंज्यूमर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके, सो दैट उनके सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स को रीजनेबल पे आउट्स मिलते रहें, और इसीलिए भी ताकि सभी कंपनीज जो लीगली और एथिकली बिजनेस कर रही हैं वो लंबे समय तक अपना बिजनेस कर सके। FDSA के गाइडलाइंस सभी नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज, उनके कंज्यूमर्स और उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स के फेवर में बनाई गई हैं, ताकि इन फ्यूचर कभी किसी को किसी भी तरीके का कोई लॉस ना फेस करना पड़े। FDSA के अकॉर्डिंग डायरेक्ट सेलिंग किस तरह से करनी चाहिए और वो कौन से कंडीशंस हैं जो किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को फॉलो करनी चाहिए, चलिए जानते हैं। तो पहली कंडीशन तो ये है कि वो स्ट्रिक्टली डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस को फॉलो करे, और दूसरा ये कि उनका नेचर ऑफ बिजनेस क्लियरली बताया जाए पार्टनरशिप डीड और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। तीसरा यह है कि उस कंपनी की वेबसाइट पर कंप्लीट डिटेल्स हों और टाइमली वो अपडेट होती रहनी चाहिए, ताकि उनके सभी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लोगों के लिए अवेलेबल हों। चौथा यह है कि सेल्स कमीशन एग्रीड रेट पर ही सभी डायरेक्ट सेलर्स को मिलता रहे इफेक्टिव टाइम पीरियड के अंदर अंदर। पांचवा यह है कि सभी कंज्यूमर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को उनका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर इशू किया जाए, ताकि उनकी ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई भी किया जा सके। सिक्स्थ इज कि कंज्यूमर्स की परेशानियों को सॉल्व करने के लिए एक ग्रीवेंस सेल जरूर होना चाहिए। इवन वेबसाइट पर भी ये प्रोविजन दिया जा सकता है, ताकि कंज्यूमर्स अपनी कंप्लेंट्स ऑनलाइन लॉन्च कर सके, और उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन को एक डेटाबेस रेडी करना चाहिए जिसमें रजिस्टर्ड कंप्लेंट्स हो और FDSA जब चाहे उन्हें इंस्पेक्ट कर सके। अब बात आती है कि कैसे किसी व्यक्ति की अपॉइंटमेंट और ऑथराइजेशन किसी कंपनी में होनी चाहिए। जब भी कोई व्यक्ति कंप्लीट छानबीन के बाद अपना एप्लीकेशन डालता है तो कंपनी द्वारा उनसे कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मांगे जाने चाहिए, जैसे कि फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ, आधार कार्ड या फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स कंपनी को लगे कि रिक्वायर्ड हैं वो सभी। ऐसा होना ज़रूरी इसलिए भी है ताकि कोई भी व्यक्ति फेक आईडीज ना बना पाए और बिजनेस लंबे समय तक चल सके और सेल्स कमीशन हर एक डिस्ट्रीब्यूटर के बीच इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सके। किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के लिए जो स्टेट वाइज डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस जारी किए गए हैं, आप उन्हें हमारी वेबसाइट Tegonity.com पर चेकआउट कर सकते हैं, या फिर आप फॉलो कर सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को और चेकआउट कर सकते हैं कि क्या रेस्पेक्टिव कंपनी उन्हें फॉलो कर रही है या नहीं। आइए जानते हैं कि FDSA किस तरह से लोगों के हित में काम कर रही है।
FDSA, जेन्युइन डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के विचारों को प्रकट करती है और स्टैटिस्टिक्स और लोगों के सही ओपिनियन के साथ मिलकर एक सही लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क तैयार करने की कोशिश करती है। इसके अलावा FDSA इंडस्ट्री की पॉसिबिलिटीज के प्रमोशन के लिए एसोसिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस, एजेंसीज और मीडियाज के साथ मिलकर काम करती है। FDSA पूरे देश में रीजनल अवेयरनेस प्रोग्राम्स का भी आयोजन करते हैं और साथ ही साथ जो पब्लिक जनरल क्वेरीज उन्हें आती हैं कॉल्स और ईमेल्स से, जिसमें इंडस्ट्री से रिलेटेड उनसे सवाल पूछे जाते हैं, वो उन्हें भी एंटरटेन करते हैं। FDSA सतर्कता और निगरानी करता है सभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज पर और उनकी मार्केटिंग प्रैक्टिसेस पर भी, और लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज को रिपोर्ट करता है कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, पोंजी स्कीम्स, मनी सर्कुलेशंस और ऐसी ही इल्लीगल कंपनीज के बारे में। FDSA की वेबसाइट पर आप फाउंडर, फेलो और प्रोविजनल मेंबर कंपनीज के बारे में भी पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक आपके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। FDSA से रिलेटेड कुछ और जानकारी हम आपके लिए जल्द लेकर आएंगे। वी होप कि इस वीडियो में आपको आपके कुछ सवालों के जवाब हम जरूर दे पाए होंगे। दिस इज दिव्या फ्रॉम Tegonity.com। जल्द हम फिर हाजिर होंगे एक ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।